सर सेंटर ऑफ मास वाले में पहले बताइएगा ना हाँ पहले सेंटर ऑफ मास वाला में संजना और मिली पूरा उम्मीद था तुम ही दोनों आओगे बस सर क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स ये वाला स्क्रीन शेयर है ना टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मासेस हैज वेलोसिटी वी वन एंड वी टू तो स्क्रीन में चल रहा है। स्क्रीन सेव नहीं है, ओके। अब ठीक तो है। हां सर। वहाँ गया इसका। संडे को भी पढ़ते हो जी तुम लोग? हैं? सर आप होमवर्क दी थी इस वजह से पढ़ भी रहे थे। नहीं तो नहीं पढ़ते ना, इसलिए होमवर्क दिया। तो पढ़ते था पढ़ते हैं, बट आज ज़्यादा पढ़ लिए। इसलिए होमवर्क दिया था। जान के क्वेश्चन नंबर कौन सा पेन चलेगा रिकॉर्डिंग अच्छा है हेलो एक्चुअली नेट डिसकनेक्ट हो गया है सिस्टम का एक मिनट चेक कर रहा हूँ क्या दिक्कत आया अच्छा जैसे वो क्वेश्चन नंबर सिक्स पूछिए उसमें उसमें क्या करना पहले आप क्या ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालो ज्वाइन हो गया क्या मैं आ गया हेलो सर yes, जो भी वो है क्या बोल रहे जो भी होस्ट कर रहे हैं मुझे वो सुना दो अच्छा, अच्छा मैं बोल रहा हूं सर आपका साउंड इको कर रहा है 1 मिनट एक मिनट अब नहीं कर रहा होगा हम्म सही है सर स्क्रीन शेयर हो गया यस yes, सर और नेट ही चला गया था क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे थे क्वेश्चन नंबर सिक्स कर रहे थे बोल रहा हूँ कि दो पार्टिकल सिस्टम है ठीक है एक पार्टिकल ऐसे मान लेते हैं एक पार्टिकल थोड़ा छोटा कर लेंगे दिखेगा ना सबके पास असाइनमेंट तो है ना हम छोटा कर लेते हैं ताकि इधर सॉल्व कर पाए तो इसमें पहले सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकालो कितना होगा वेलोसिटी ऑफ़ सेंटर मास कितना होगा क्वेश्चन नंबर सिक्स में कर रहे हैं दो पार्टिकल है, है? दोनों का वेलोसिटी दे रखा है एक का दे रखा है टू आई कैप और एक का दे रखा है टू जे कैप रखा है टू जे कैप ठीक है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा इक्वल मास है जाएगा एम इन टू टू ठीक है एम वन भी वन प्लस एम टू भी टू एम इन टू टू जे डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू एम वन प्लस एम टू तो कितना जगह जगह? आ जाएगा टू एम हो गया तो हो जाएगा आई प्लस जे कैप और एक्सेलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा तो कैसे निकालेंगे m1 एम वन इन टू इसका एक्सेसन कितना रखा है

ठीक है हो जाएगा थ्री बाई टू इंटू आई कैप प्लस थ्री बाई टू इंटू जे कैप ये आएगा क्या यस सर ठीक है अब देखो ये जो सेंटर ऑफ मास का जो स्पीड है ठीक है अगर उसका देखोगे तो किस डायरेक्शन में है 45 डिग्री एंगल पर होगा कि नहीं होगा आई प्लस जे दोनों कंपोनेंट कितना है सेम है सेम तो अगर एंगल निकालोगे थीटा तो कितना होगा 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 कि नहीं वेलोसिटी मास का डायरेक्शन की बात करें तो 45 अगर करें, तो यहां भी टेन फोर्टी फाइव कितना होगा वन एक्सेन तो भी क्या आएगा इसी डायरेक्शन में आएगा एक्सेलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगा सेम डायरेक्शन में आएगा तो यहाँ पे वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है सेम डायरेक्शन में है तो पार्टिकल का जो मोशन होगा कैसा मोशन होगा कैसा होगा स्ट्रेट लाइन मोशन होगा होगा कि नहीं होगा यस सर एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है दोनों सेम डायरेक्शन में है सिंपल कैसा मोशन होगा स्ट्रेट लाइन होता मान लो कि दोनों परपेंडिकुलर होता तो कैसा मोशन होता सर्कल होता होता ना वेलोसिटी के अगर परपेंडिकुलर रहे एक्सेलरेशन हमेशा तो मोशन कैसा होता सर्कुलर होता ये बात समझ में आ रहा बोलो हाँ <laughs> <laughs> क्वेश्चन तो नंबर सिक्स हो गया बताओ और आगे इसको नोट कर लो और क्वेश्चन नंबर कोई <laughs> मोहित संजना श्रुति कर, सुती? कर का ही सोती मोहित कर क्या है यस yes, यस yes, किया चलो बोलो क्वेश्चन नंबर और आगे बोलो सब 15 क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर क्या है ठीक है क्वेश्चन नंबर 15 उससे पहले किसी को डॉट नहीं है ना बैकवर्ड मोशन नहीं करेंगे सिर्फ फॉरवर्ड मोशन करेंगे किसी को दिक्कत तो नहीं है पहले नो सर नो सर क्या दिक्कत है इसमें बोलता इफ़ द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ स्क्वायर प्लेट एंड द सर्कुलर प्लेट सोन इन सेम ठीक है दोनों का डेंसिटी क्या है सेम सेम है रो रो है मान लेते हैं ठीक है द सेंटर ऑफ मास ऑफ द कंपोजिट सिस्टम विल बी अरे ऐसा क्वेश्चन नहीं करवाए हैं इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा यहाँ पे होगा इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा यहाँ पे होगा होगा कि नहीं होगा तो बेसिकली क्या हो जाएगा तो टू पार्टिकल सिस्टम बन जाएगा इसका मास कुछ M1 हो जाएगा ठीक इसका इसका है कितना और एम टूल टू कितना तो रो इन टू पाई इंटू आर स्क्वायर और आर कितना हो जाएगा तो डायमीटर दे रखा आपको एल तो एल बाई टू क्या हो जाएगा इसका आर हो जाएगा तो R2 हो गया इतना हो 4 L2. हो कि हो, हो तो कितना हो गया रो इंटू पाई बाई फोर इंटू एल कितनी होती है थ्री पॉइंट वन फोर डिवाइड बाई कितना होगा फोर एक क्वांटिटी क्या हो जाएगा इससे छोटा होगा हो अरे इसका मास कितना हो गया रो इंटू एल स्क्वायर इसका मास कितना हो गया

तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या आएगा कहीं इधर आएगा आएगा कि नहीं आएगा मिडिल पॉइंट से जिधर मास ज्यादा होता है सेंटर ऑफ मास क्या होता तो है शिफ्ट हो जाता है ना यस yes, तो सेंटर ऑफ मास कहां लाइक करेगा इनसाइड द स्क्वायर प्लेट इनसाइड द स्क्वायर प्लेट ठीक है कोई दिक्कत समझ में आया यस सर क्वेश्चन नंबर के बाद बोलेंगे सर सेवेंटीन हम्म पूछो पता था कि तो पूछोगे पूछोगे क्या दिक्कत है इसमें इसको नोट कर लो पंद्रह को ठीक है बस दोनों का मास निकालना था और मास चेक करना था किसका ज्यादा होता अगर दोनों मास इक्वल होता तो सेंटर ऑफ मास कहां करता इसके बीच में ठीक है इसके बीच पे लाई करता ठीक है क्योंकि तो ये दोनों डिस्टेंस होता यहां से एल बाई है यहां से एल बाई है ठीक है तो बीच में लाइक करता अभी ज्यादा है तो इधर लाइक करेगा कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर क्या है? प्लेट प्लेट इन द द द फिगर सेंटर सेंटर ऑफ़ 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 मास मास लाइ मिड पॉइंट सेगमेंट लाई कर रहा है तो पूछता है कितना होगा बी बाई ए कितना होगा अगर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दे हम एक स्क्वायर प्लेट ठीक है एक ट्रैंगर प्लेट दोनों टच में है एक ट्रैंगर प्लेट ठीक है अगर सेंटर ऑफ मास इसके बीच में लाई कर रहा है इसका मतलब क्या होगा इसका सेंटर ऑफ मास तो पता है कहीं यहाँ पर होगा इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा यहाँ पर होगा तो आप क्या करोगे इसका पूरा का पूरा जो मास होगा एम मान लेते हैं कि यहाँ रख दिया ठीक है यहाँ से कितना डिस्टेंस होगा ये ये डिस्टेंस होगा ए बाई ये डिस्टेंस होगा ए बाई टू इस ट्रायंगल का जो सेंटर ऑफ मास होगा कहीं यहां पे होगा इस ट्रायंगल का जो सेंटर ऑफ मास होगा कहीं इस पॉइंट पे होगा यहाँ पे पुट करते हैं कितना है एम टू है ठीक है यहाँ पे एम टू है एम वन एम टू निकाल लोगे ना एम वन एम टू निकाल लोगे अरे तो बोलो एम वन अब क्या करो अब आपको दिया हुआ क्या है कि सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पर लाई करता है इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालो अगर यहां से रेफरेंस लेते हैं ठीक है सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा X सी एम टू कितना हो जाएगा तो एम वन इंटू जीरो प्लस एम टू ये वाला डिस्टेंस ये डिस्टेंस कितना होगा ये डिस्टेंस कितना होगा ये है ए ये है बी ये एंगल नहीं पता क्या कुछ सर फिर से बताइए ना रुक जाओ रुक जाओ ये एंगल अगर थीटा मानते हैं तो जगह बी कॉस्ट थीटा जगह बी साइन थीटा b cos theta or b sin theta अच्छा बताओ ट्रायंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास कहां लाइक करता है याद है सेंट्रोइड पर कितना डिस्टेंस होता है h थ्री ना यस yes, सर पक्का So, होता, था था था, तो थी थी होता है h. H. इसका निकालना पड़ेगा। कौन का ठीक है तो ये होगा टू एच बाई थ्री होगा शायद यार हमको भी ट्रेंगुलर प्लेट का याद है किसी को तुम्हारा काम है याद करना है सब तो यहां से कितना होगा ए डिस्टेंस कितना होगा बताओ ए डिस्टेंस इसको मान लो कि ठीटा मान लेते हैं तो बी साइन ठीटा ये वाला डिस्टेंस कितना बी साइन ठीटा और सेंटर ऑफ मास कहा लाई करेगा यहाँ पर लाई करेगा तो ए डिस्टेंस कितना हो जाएगा ए डिस्टेंस हो जाएगा टू बी बाई सेंटर ऑफ मास कितना होगा बताओ तो कोई याद तो बताओ कितना होता है प्लेट का ध्यान नहीं आ रहा रेक्टेंगुलर का हमको लगता है एच बाई थ्री होता है जो भी होगा देख लेना अगर ये डिस्टेंस बी सेंटी थी थीटा होगा तो कितना जगह कोई बोल रहा है टू बाई थ्री टू बाई थ्री यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा यानी ए डिस्टेंस हो जाएगा टू बी साइन थीटा बाई थ्री टू बी साइन थीटा बाई थ्री दोनों का मास निकल जाएगा डेंसिटी मान लो कॉमन तो

एम वन प्लस एम टू एम वन प्लस एम टू और ए एक्स सी एम का पता हमको एक्स एक्सएम कहाँ पे आएगा तो यहाँ पे है दिया हुआ क्वेश्चन में ए वैल्यू हो जाएगा ए बाई टू के बराबर ए वैल्यू हो जाएगा ए बाई टू के बराबर यहाँ से आ जाएगा एम टू इन टू ए बाई टू प्लस टू बी बाई थ्री साइन थीटा डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू

तो ए के बराबर आ जाएगा तो यहाँ से थीटा पता चल जाएगा तो यहाँ पे थीटा आपको नोन होगा तो यहाँ से आपको क्या निकालना था ए और बी में एक रिलेशन निकालना था ए और बी में एक रिलेशन आ जाएगा ए और बी में एक रिलेशन आ जाएगा इसको निकालो तो समझ में आया क्या बोले उर्दू में तो एक मिनट इसको साफ में तो तो करते हैं तो अच्छा। साइड में जरा क्वेश्चन के ऊपर लिख रहा है ना सब खिचड़ी बन रहा है ओके ओके सब मिटा देते हैं। पहले बताओ ये जो है एक रेक्टेंगुलर प्लेट है इधर लिख रहे हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन एक रेक्टेंगुलर प्लेट है इसके साथ एक अटैच है ट्रेंगुलर प्लेट ठीक है इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा कहीं यहां पे लाई करेगा और इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे लाई करेगा करेगा कि नहीं करेगा ठीक yes. है yes, इसका sir. जो सेंटर ऑफ मास होगा ठीक है यहां से ए डिस्टेंस फिर से नेट गया क्या नहीं सर, ए डिस्टेंस हो जाएगा ए बाय टू ठीक है और ए डिस्टेंस कितना होगा एल बाय थ्री था कि ट्व बाय थ्री था तो नहीं था सर ट्री है ठीक है तो पहले तो बताओ इसका हाइट कितना होगा इस का जो हाइट होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा रखा आपको बी दे रखा तो कितना हो जाएगा ये तो हो जाएगा हो जाएगा बी थीटा यह हो जाएगा बी साइन थीटा पूरा जो लेंथ देखेंगे कितना जाएगा बी साइन थीटा जो एल की बात कर रहे हैं तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा कितना होगा इसका सेंटर ऑफ मास अब मैं इसको दो पॉइंट सिस्टम बना रहा हूँ ठीक है एक का मास मान लेते हैं एम वन है ठीक है और दूसरा क्या है ये रेट्रेंगुलर प्लेट का है इसका मान लेते हैं कि एम टू है ठीक है सेंटर ऑफ मास हमको दिया हुआ है कि यहाँ पे लाइक कर रहा है ए डिस्टेंस आपका हो गया ए बाई टू और ए डिस्टेंस कितना हो जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है यहाँ का कितना हो जाएगा तो हो जाएगा टू इंटू बी साइन ठिटा बाई थ्री होगा ट्वेल्व बाई थ्री होता है प्लेट का कहां से इसके बेस से इससे बेस से डिस्टेंस कितना आ टू बी साइन ठीटा बाई थ्री तो बेसिकली ऐसा बन गया अब इसका सेंटर ऑफ मास आप लिखो एक्सम लिखो कितना आ जाएगा तो इसको रेफरेंस मान लो यहाँ से लिखो तो एम वन इंटू इसका पोजिशन कितना जागा? जीरो प्लस एम टू इंटू इसका पोजिशन यहाँ से कितना आ जाएगा एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू लिखते हैं ना तो आर टू कितना हो जाएगा तो जाएगा ए बाई टू प्लस टू बी साइन थी बाई थ्री नहीं होगा डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू ठीक है और एक्सो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि कहां पर लाइक कर रहा है ए पे लाइक कर रहा है यानी यहां पे सेंटर ऑफ मास हमको मेंशन था कि यहाँ पे लाइक कर रहा है यानी जो एक्सो एम आएगा कितना आएगा ए बाई टू के बराबर आएगा ए किसके बराबर आएगा ए बाई टू के बराबर आएगा ठीक है yes. इसको सॉल्व करना यहां से ए और बी के बीच में एक रिलेशन निकालना ठीक है ए से डिवाइड कर दो हर जगह पे ठीक है तो बी वाई ये पूछ रहा है ना आपसे बी वाई ये पूछ रहा है ठीक है बी वाई ये पूछ रहा है तो आप ए से क्या करो इसको डिवाइड कर दो कितना आएगा ये कुछ ज्यादा खास करना नहीं था अब आप बी से क्या करो डिवाइड कर दो ए से कर दो डिवाइड तो यहाँ बच जाएगा वन बाई टू ठीक है और यहाँ तो जीरो हो गया तो हो गया एम टू इन टू ए से डिवाइड किए हैं तो जाएगा वन बाई टू प्लस टू बाई थ्री बी बाई ए साइन थी डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू एम वन प्लस एम टू ठीक है अब यहां से आप साइन ठीटा कैसे निकालोगे ठीक है तो ट्रायंगल में देखोगे ए लेंथ कितना दे रखा आपको ट्रायंगल गलत बन गया ट्रायंगल में देखोगे ए लेंथ आपको दे रखा है बी अरे पूरा लेंथ देखा आपको ए ठीक है तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा ए बाई टू हो जाएगा ए लेंथ कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा ए बाई टू यहां तो यहाँ से अगर साइन लेख लिखोगे तो इक्वल टू कितना जाएगा साइन इक्वल टू ठीक है कितना जाएगा ए लेंथ कितना जाएगा ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू का अंडर रूट डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बी हो जाएगा ठीक है बी स्क्वायर को अंदर ले जाओ तो कितना जाएगा वन माइनस ए स्क्वायर बाई बी ठीक है अब यहां से ए वाई बी आ गया यहां भी ए वाई बी आ गया यहाँ पुट कर दो यहां से ए वाई बी की वैल्यू आप सॉल्व कर लेना एम बन एम टू को आप लिख लेना उसके फॉर्म में ठीक है मान लो कि डेंसिटी रो है डेंसिटी अगर रो है तो एम बन स्क्वा टू कितना जाएगा ऊपर ले देता हूँ एम बन स्क्वायर टू कितना जाएगा तो रो इन टू ए स्क्वायर इसका मास आ जाएगा और इसका मास कितना आ जाएगा m2 इक्वल टू रो इन टू हाफ इन टू ए कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं हो जा रहा है a इंटू बी साइन थीटा a इंटू बी साइन थीटा रो रो कैंसिल हो जाएगा ठीक है रो रो कैंसिल हो जाएगा और सबका वैल्यू पता है इसको सॉल्व कर लेना मैं नहीं कर रहा कुछ ज्यादा बड़ा हो गया रो रो करते हैं लोग रो रो रोने लगेंगे नहीं रो रो कैंसिल हो जाएगा करना आपको ऐसा ही है ठीक है कैसा क्वेश्चन क्या मतलब ठीक तो, है, नहीं गंदा तो रहता गंदा है, ना। है क्या करना कुछ नहीं है इसका मास आपको निकालना था इसका मास निकालना था इस दोनों मास के से से सेंटर मास पे रख देना था अब फिर आपको दिया हुआ इसका सेंटर ऑफ मास निकालो इसका कम्बाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालो आपको दिया हुआ क्या है सेंटर ऑफ मास लाइक कर रहा है ठीक है तो डिस्टेंस हमने ए बाई टू ए बाई टू पुट कर दिया अब यहाँ से बी बी डिवाइड कर दो बी वाई ए का रेशियो आ जाएगा ठीक है सैंटीटा भी पता है भी एक के फॉर्म में लिख लेना वहां से सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा कुछ ना कुछ क्या दिया इसका आंसर कुछ गंदा सा आएगा तो रूट उट में आएगा रूट में ही आएगा इसका देख लो सी और डी में सोना चाहिए कोई ऑप्शन कर लेना यार इसको मैं नहीं बता रहा मेरे को मन नहीं इतना कैलकुलेशन करने का ठीक है तरीका ऐसे ही है इस कैसे करना है कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है इसका आगे बोलो सर एटीन में बता दीजिए करना क्या है एटीन में क्या है बड़ा करो क्वेश्चन अब मेरे को पढ़ा नहीं जा रहा क्वेश्चन इसको कर लेना नहीं होगा तो मैं सॉल्व करके भेज दूंगा बाद में कुछ शॉर्टकट तरीका मिलेगा तो एट सॉलिड इनफॉर्म क्यूब्स इतना बड़ा क्वेश्चन से, से पूछेगा नहीं आप लोग को मेडिकल में एक मिनट को टाइम देता है करना इसको ऐसे ही है एट सॉलिड इनफॉर्म क्यूब्स ऑफ लेंथ एल आर स्टैक टुगेदर टू फॉर्म में सिंगल क्यूब ऑफ सेंटर ओ वन क्यूब इज रिमूव फ्राम दिस्टम डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग सेवन क्यूब ठीक है इस तरह से आठ क्यूब रखा हुआ है और एक क्यूब को क्या क्या हटा दिया गया है यहाँ से तब रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास निकालना है ठीक है एक क्यूब यहाँ पैलेस था उसको क्या किया है हटा दिया गया है ठीक है तो जब सारा क्यूब होगा तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा इसके सेंटर पे होगा क्यूब yes, है ना सबको मिला के एक क्यूब बनेगा ठीक है तो इसका जो सेंटर होगा वहां पर सेंटर ऑफ मास होगा अब यहां से हटा देना इसका मतलब क्या करना है आपको बताए थे जब भी इस तरह के पार्ट को रिमूव करेगा तो निगेटिव मास का कॉन्सेप्ट लगाओगे ठीक है यानी माइनस एम बाई एट पार्ट को क्या किया आपने हटा दिया है माइनस एम बाई एट पार्ट को आपने यहाँ से हटा दिया गया है इतना लंबा लंबा क्वेश्चन पूछ रहे आपसे ठीक है तो पहले सेंटर ऑफ मास क्या होगा इसके सेंटर पर होगा इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा इसके सेंटर पर होगा ठीक है और इस क्यूब का जो सेंटर ऑफ मास होगा निकालना है. नया निकालना है. तो आपको बताया था जब भी कोई पार्ट को रिमूव करोगे तो नेगेटिव मास बेसिकली रिमूव करने के जगह पे वहां पे आप एक नेगेटिव मास कर दो नेगेटिव मास करने का मतलब क्या होगा रिमूव के कारण होगा इसका सेंटर ऑफ मास अभी सेंटर पर होगा यहाँ पे होगा अभी थोड़ा सा विजुलाइज करो तो जो नया सेंटर ऑफ मास होगा एक्स एम वो क्या होगा तो इसी का इसका जो सेंटर है क्यूब का क्यूब का सेंटर को हम रेफरेंस मान रहे हैं ठीक है तो टोटल मास एम इनटू उसका पोजिशन कितना हो जाएगा जीरो क्योंकि इसी को रेफरेंस माना है प्लस इसका मास कितना होगा इसका मास होगा माइनस एम बाई एट माइनस एम बाई एट और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा अरे कोई भी एक क्यूब है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा उसका सेंटर पे होगा एल बाई टू हो गया डायमीटर कितना होता है अरे इसके डायमीटर पे लाई करेगा ना हाँ। इसका डायमीटर कितना होता है रूट थ्री है ना या एल हाँ। रूट थ्री एल ना ये बात हाँ. समझ में आ रहा है अरे क्यूब का डायमीटर पे लाई करेगा ना क्यूब मतलब समझो ना अपना घर समझो अपना घर का कमरा समझो तो कमरा का जो डायमीटर होगा क्या होगा रूट थ्री इंटू एल होगा अगर एक साइड का लेंथ अगर एल है तो उसके बीच हाँ। में कहीं लाई करेगा ठीक है यानी सेंटर ऑफ मास कहा से लाई करेगा तो रूट थ्री बाई एल डिवाइड बाई टू रूट थ्री एल बाई टू पे लाई करेगा ये समझ में रहा है थोड़ा सा भिजवाइल करो ठीक है अपना किसी भी कमरे का डायगोनल देखो डायगोनल का लेंथ कितना होगा तो रूट थ्री इंटू एल होगा और उसके बीच में सेंटर ऑफ मास लाइक करेगा तो रूट थ्री एल बाई टू पे होगा ठीक है बाई टोटल मास कितना है एम है ठीक है तो यहां से क्या आ जाएगा आ जाएगा माइनस ऑफ रूट थ्री एल डिवाइडेड बाई सिक्सटीन रूट थ्री एल डिवाइड बाई सीन ठीक है ये बात समझ में आया यस सर तो रूट L by इस हो जाएगा √3l/16 इसका आंसर हो जाएगा √3l/16 विजुलाइज करो कहीं समझ में नहीं आता तो बताओ थोड़ा सा सिंपल है पहले वाले से अरे आया सर तो सर तो ये नए वाले सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है ना हाँ नया ऑप्शन हमने बोला था ना कि जब भी कोई पार्ट रिमूव करते हैं जैसे कि इसमें पढ़ा था हमने कि यहाँ से कोई पार्ट रिमूव कर दिया तो हम बोलते हैं कि नहीं इसको रिमूव नहीं कर रहे हैं इतना नेगेटिव मास हमने क्या किया बेसिकली ऐड कर दिया है इसका सेंटर ऑफ मास तो बेसिकली क्या हमने बोला ए प्लस एक निगेटिव मास है इसको हमने ऐड कर दिया है ठीक है यहाँ पे ऐड कर दिया तो कैसा बन जाएगा हॉलो बन जाएगा यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास तो सेंटर पर रहेगा वही काम किया यहाँ पे क्यूब में क्यूब का सेंटर ऑफ मास अगर कम्प्लीट रहता

ठीक हाँ, है length कितना हो जाता? 12 हो जाता. Length कितना कितना जाता 12 हो जाता 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 हो हो तो तो से इसका का क्या कर रहा हूं इसका सेंटर ऑफ मास क्या होता है इसके एज से कितना पे होता है तो इसका पूरे का डायगोनल कितना होता तो रूट थ्री टाइम्स ऑफ रूट थ्री टाइम्स ऑफ टूएल्व जो सेंटर ऑफ मास इंटू टिवाइड बाई टू के बराबर आता ठीक है उसका क्या होता इसका यहाँ से फिर निकालना पड़ता तो डिफिकल्ट हो जाता ना यहाँ से निकालना किसी एज से निकालना तो आपको फिर डिफिकल्ट हो जाता इसके सेंटर से ही देखना है तो सर अभी जो सेंटर ऑफ मास नया बुलबुला हम लोग निकाले तो वो जिधर ज्यादा मास उधर शिफ्ट हुआ होगा हाँ हाँ क्यू के अंदर लेफ्ट साइड में माइनस आया ना देखो ना इसका हाँ। जो डायगोनल होगा ठीक है इसका जो बड़े वाला क्यूब का डायगोनल होगा उससे अंदर बॉडी में चला गया होगा सेंटर ऑफ मास ठीक है इसके तरफ खाली वाले की तरफ नहीं गया होगा भरे वाला जो है बचा हुआ है उसके तरफ गया होगा थ्री डायमेंशनल बॉडी है एनालिसिस करो ये इस बात समझ में आया इसका एक बार हम अच्छे से सोल्यूशन बना के भेज देंगे अगर तुम लोग नहीं कर पाए तो करना वही है अब सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा उसमें क्वेश्चन नंबर आप बताओ ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर बाकी लोग डॉट नहीं है क्या डिस्क ऑफ रेडियस आर सेंटीमीटर ऑफ इनफॉर्म थिकनेस एंड इनफॉर्म डेंसिटी सिग्मा हैज द सरफेस हैज ए स्क्वायर होल विथ साइड लेंथ ऑफ आर बाई टू ठीक है कॉर्नर ऑफ द होल इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द डिस्क हाँ ठीक है तो देन द बाय कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मार्स ऑफ डिस्क विथ होल सेम चीज करना है यहाँ भी यहाँ से इस पार्ट को रिमूव कर दिया गया है तो आप क्या करो देख कौन कर रहा बदमाशी कौन लिखा बोलो नहीं तो देख लेंगे फिर कौन लिखा इस इस वाले पार्ट को पूरा मानो ठीक है और क्या करो इसको निगेटिव मास मानो ठीक है तो इस वाले पूरे वाले का सेंटर ऑफ मास क्या होगा यहां पे होगा और इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा यहां पे होगा तो बेसिकली दो ब्लॉक का बन जाएगा जिसका एक का सेंटर ऑफ मास सर्कल का यहां पे होगा इसका मास मान लेते हैं एम है ठीक है और जो हटाया हो पार्ट उसके जगह अब हम निगेटिव मास यूज कर लेते हैं इसका मास क्या होगा यहाँ पे रख देते हैं तो ये कितना डिस्टेंस पे होगा ये जो लेंथ है r √2 है इसका जो साइड का लेंथ है r √2 है तो ए लेंथ कितना हो जाएगा √3l 2 ये तो r ही दिया होगा ना शायद √3r 2√2 ये r होगा ना ये लेंथ यहां से r 2 डिस्टेंस पे एक यहाँ पे निगेटिव मास रख दो ठीक तो है माइनस ऑफ एम डेस इसका मास होगा रो इंटू रो इंटू एल इसका मास कितना होगा तो रो इनटू पाई इंटू आर स्क्वायर पाई इंटू आर अब इसका सेंटर ऑफ मास निकाल लो सेंटर ऑफ मास कितना होगा बाईस कितना हो जाएगा तो एम इंटू जीरो यहीं पे रेफरेंस मान रहे इसका ओरिजिन मान रहे स ठीक है एम इंटू जीरो प्लस क्या होगा माइनस ऑफ एम ऑफ़ मास कितना पे होगा आर बाई टू ठीक डि एम डैस यही इसका आंसर होगा माइनस ऑफ एम डैस इंटू आर बाई टू डि माइनस एम डैस और एम और एम डैस की वैल्यू पुट कर दो आप ठीक है यहां से रो इन टू एल इज कल टू क्या पुट करोगे तो आर स्क्वायर डिवाइड बाई टू क्योंकि एल की वैल्यू कितना आएगा एल की वैल्यू आएगा आर बाई रूट टू के बराबर तो एल स्क्वायर हो जाएगा आर बाई रूट टू तो यहाँ से मास पुट करो बाईस यू एम कितना आएगा माइनस ऑफ एम डैस एम डैस कितना हो जाएगा यहाँ पे लिख रहे हैं ठीक है ना दिख रहा है रो इंटू आर स्क्वायर बाई टू इंटू आर बाई टू डिवाइडेड बाई एम माइनस एम डैस एम कितना मास होगा तो रो इन टू आई स्क्वायर माइनस एम एम एमडेस कितना जाएगा तो रो इंटू आर स्क्वायर बाई टू आर स्क्वायर बाई टू यहाँ सॉल्व करो रो रो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा रोना मत आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर में क्या बचेगा ऊपर में बचेगा आर बाई फोर और डिवाइडेड बाई नीचे क्या बचेगा नीचे बचेगा, नीचे बचेगा पाई माइनस यहाँ से बच गया पाई यहाँ से बचिएगा माइनस वन बाई आर पाई फोर नीचे ले आओ तो जाएगा फोर पाई माइनस ऑफ टू आर डिवाइड बाय फोर पाई माइनस ऑफ टू कौन सा आंसर मैच करता है फोर कॉमन ले लो यहाँ से तो जाएगा पाई माइनस वन बाई टू पाई माइनस वन बाई टू ये वाला आंसर हो जाएगा नहीं समझ में यार बोल दो नहीं नहीं समझ माया कॉन्सेप्ट आपको हर जगह पे सेम यूज करना है नहीं आया पक्का नहीं आया अरे यार <laughs> <laughs> क्वेश्चन तो डिस्कस कर रहे हैं थ्योरी नहीं पढ़ा रहे हैं ठीक है अब आया क्या देखो तो <laughs> देखो क्या किए एक्चुअली क्या क्या था इस डिस्क से ठीक है इस डिस्क से इतना पार्ट को रिमूव कर दिए तो आपको बताया है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आया रिमूव करने वाला तो आप बेसिकली क्या करोगे ऐसा सेप, करो। करो तो सेप बन जाएगा ये तो बात समझ में आता है ना बात ये बात समझ में आता है ना ठीक है बेसिकली तो क्या हो जाएगा तो दो पार्ट सिस्टम बन जाएगा एक तो ऐसा बन गया पूरा कंप्लीट ठीक है और एक क्या आ जाएगा एक आ जाएगा निगेटिव वाला ठीक है एक क्या आ जाएगा निगेटिव ठीक है तो इस वाले का देखोगे जो कंप्लीट था उसका तो सेंटर ऑफ मास कहां अप्लाई करेगा तो उसका सेंटर सेंटर ऑफ मास इसके अप्लाई करेगा इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर अप्लाई करेगा इसके सेंटर पर करेगा और ये जो चरखुट वाला बना इसका सेंटर ऑफ मास अप्लाई करेगा तो यहां पे करेगा ठीक है तो दोनों ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर सकते हैं पूरे मास को

इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है इसका क्या करना है आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है यही काम किया है इसको अगर रेफरेंस मानोगे इस पॉइंट को तो सेंटर ऑफ मास कितना तो एम इन टू जीरो प्लस क्या आ जाएगा माइनस ऑफ एम डैस माइनस ऑफ एम डैस इन टू इसका पोजीशन क्या होगा आर बाई टू डिवाइड बाई टोटल मास एम माइनस एम डैस एम डैस और एम दोनों निकाल लिए हैं ठीक है एम कैसे निकलेगा तो इसका डेंसिटी दे रखा है रो इन इसका एरिया निकाल देंगे सर्कल का पाइर डेंसिटी तो हो गया रो और इसका एरिया कितना होगा इसका एरिया होगा एल स्क्वायर रो इंटू एल स्क्वायर और एल की वैल्यू दे रखा था कितना एल की वैल्यू दे रखा था इधर देखो कोने में लिखा हुआ है एल इज टू आर बाई रूट टू इस क्वेश्चन से लिखा हु एल इज्वल टू यहाँ पे R बाई रूट टू पुट कर देंगे तो कितना जगह एल स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर बाई इसका मास आ गया आपको इतना और इसका मास आ गया इतना यहाँ पे पुट करना सॉल्व करना आंसर आ जाएगा समझ में आया जब भी इस तरह से निगेटिव मास का रहेगा आप बोल देना कि नहीं आया तो फिर तो नहीं सर आ गया भाई ठीक है तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सबको ऐसे ही करना है नोट कर लो नोट कर लो कैसे नोट करोगे ए डायग्राम बनाना ठीक है इसको ऐसे रिप्लेस करना एलो से घेरना मत तुम लोग फिर इसको ऐसे लिखना यहाँ से एमडेस लिखना और एम लिखना ठीक है बाकी सब आप भुला सकते हो ठीक है एमडेस और एम की वैल्यू लिखो फिर यहाँ से ए लिखो फिर यहाँ से ए लिखो कहानी होगा खत्म उसके बाद बोलो क्वेश्चन नंबर इसको नोट करो नोट करो लिखो लिखो लिखो, लिखो तो समझ में आएगा समझ में आया पक्का मिलेगी क्वेश्चन नंबर इक्कीस भी पूछना है कुछ नहीं छोड़ना है क्वेश्चन नंबर इक्कीस बड़ा कर लेते हैं तब पता चलेगा इसको नोट कर लियो कहा गया क्वेश्चन नंबर इक्कीस क्वेश्चन नंबर इक्कीस नहीं पूछोगे क्वेश्चन नंबर क्या पूछोगे बाईस पूछोगे ना ये कि किसी भी पूछोगे कौन सा पूछना है नेक्स्ट बताओ तो क्वेश्चन नंबर उन्नीस कैसे किए फिर मिले क्वेश्चन नंबर उन्नीस हो गया था क्वेश्चन नंबर उन्नीस हो गया था नहीं सर इस पैटर्न का क्वेश्चन सब पैटर्न सेम ही था ना तो नहीं बना रहे थे ओ, अब बन जाएगा ओ, वो ठीक है जब भी से पार्ट को रिमूव करोगे नेगेटिव नेगेटिव मास लेके कर लेना ठीक है नहीं तो क्वेश्चन नंबर उन्नीस यहीं पे सॉल्व कर दो तो जरा क्वेश्चन नंबर बाईस कौन कौन किया उन्नीस यहीं पे सॉल्व करो और क्वेश्चन नंबर बाईस कौन कौन किया है बताओ नहीं न करके आए बहुत सारे लोग ईमानदारी से सर असाइनमेंट 1 का तो सर हम 10 तक किए थे बाकी असाइनमेंट 2 पूरा कर दिए भाई साहब 10 तक करने में कितना टाइम लगा होगा मुश्किल से स्टार्टिंग के तो क्वेश्चन देख के मारने वाला है फटाफट फटाफट 10 मिनट भी नहीं लगा होगा तुम लोग तो मेरे से ज्यादा बड़े आलसी हो पढ़ने के टाइम तो कौन से आलसीपन की नहीं करता था मैं बाकी सब काम भले करता था क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन नंबर नाइनटीन ट्राई करो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नाइनटीन ट्राई करो जिसके बाद असाइनमेंट नहीं है बड़ा कर देता हूं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन ट्राई करो इसी टाइप का क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन खूब आता है भर भर के आता है जल्दी जल्दी करो इतना टाइम नहीं है से करो। कर रहे हो जी कर रहे बाकी कोई कुछ बोलते ही नहीं है कसम खा खाते हो क्या आज तो हम कुछ नहीं बोलेंगे सर तो बाकी तो कोई आई नहीं सर हम लोग तीन ही लोग बाकी लोग कहाँ गए है तो करके आएगा तब ना श्रुति यस yes, सर ट्राई करते क्वेश्चन यस सर बना है सारा बना है सारा सारा बनाया है तो कुछ कुछ नहीं बना तो पूछती नहीं है कौन कौन सा नहीं बना क्वेश्चन नंबर उन्नीस बना है नहीं सर क्या बना है बताओ जरा कौन सा क्वेश्चन बनाइए बताओ क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन बनाइए सिक्सटीन यस सर बन गया क्या yes, सर क्या स्कांसर होगा आंसर से पीछे देख के मत बोल देना 15 L by 14 और 6 L by 7 अरे वाह क्वेश्चन नंबर चौदह कर ली थी हाँ सर कुछ नहीं बन गया कुछ नहीं बन गया सर ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस क्या लेना है वो पूछना था अच्छा फ्रॉम द सर्क सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस फोर आर दिया हुआ है ना आर तो हाँ वही पढ़ लिया दिया तो है बड़े वाला का फोर आर है छोटे वाला का आर है ठीक है कुछ नहीं करना इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दो ठीक है एक पूरा ले लेना बड़ा जिसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा ठीक है उसके बाद दो छोटा वाला लेना इसका सेंटर ऑफ मास क्या आएगा यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास क्या आएगा यहाँ पे ठीक है अब इसका लिए तीन पार्ट का सिस्टम बन जाएगा आपको एक यहाँ पे ये पेन नहीं दिख रहा एक यहाँ पे ठीक है एक जो बड़ा वाला सर्कल है उसको सेंटर पे एक यहाँ पे ठीक है इसका मास तो जो टोटल तो मास था इसका वो एम पुट कर दोगे ठीक है और इसका मास कितना आएगा छोटे छोटे वाले का देखो बड़े वाला का मास अगर एम मानते हो तो कितना हो जाएगा रो इंटू पाई इंटू फोर आर का स्क्वायर यानी स्क्वायर और छोटे वाला के पार्ट का मास कितना आएगा? तो इसका रो रो आएगा इसका पाई स्क्वायर तो कितना होगा? 16 होगा टाइम्स कम इस बार वाल वाला क्या होगा अगर इसका मास मानते हो तो क्या जाएगा? माइनस एम बाई का है ना दोनों भी सेम साइज का है और इसका यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना जाएगा? तो टोटल फोर आर था और यहां से लेके कितना है यहां से लेके यहां तक आर है ना इस छोटे वाला दे रखा आर यह यहां से देखोगे सेंटर ऑफ मास निकाल लो जहां पे सेंटर ऑफ मास होगा वहीं पे होगा ठीक है इसका एक्स कोऑर्डिनेट और बाई कोऑर्डिनेट दोनों निकाल लो ठीक है इसका देखोगे तो इसका कोऑर्डिनेट कितना जागा? जीरो जीरो कितना तो zero हो जाएगा थ्री आर कॉमा थ्री आर आई प्लस जीरो जे इसका हो जाएगा जीरो कॉमा जीरो आई प्लस थ्री आर जे वेरी गुड सर ऑप्शन सी होगा हाँ सर सी होगा ऑप्शन वेरी गुड इस तरह से कर लोगे कोई भी रहेगा तो, हाँ तो क्वेश्चन अब कर लोगे ना क्वेश्चन नंबर बाईस क्वेश्चन नंबर बाईस बताओ क्या दिक्कत है इसमें बोलता है सेंटर ऑफ मास ऑफ नॉन नॉनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ हुज मास पर यूनिट लेंथ इज 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 दिस दिस ठीक है अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट एंड इज अ डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन रॉड फ्रॉम इट्स वन एंड फ्रॉम द ठीक है निकालना क्या है सेंटर ऑफ मास निकालना है सेंटर ऑफ मास निकालना है कैसे करेंगे इस तरह क्वेश्चन करवाए हैं इस तरह क्वेश्चन हम करवाए हैं देखो थोड़ा सा हिंट देते हैं कर लेना चाहिए था आप लोगों को कर तब नहीं लेते सर जब ट्राई करते आपको लगता है हम ट्राई करेंगे टाइम ही नहीं मिलता देखा जाए तो एक क्वेश्चन जो था उसके अलावा सारा क्वेश्चन तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ठीक है एक रॉड है अब इस रॉड का जो लेंथ है ना इल दिया हुआ है लेकिन जो मास है वो इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है

धीरे धीरे क्या होगा मास क्या होगा ज्यादा होता जाएगा तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास कहीं इधर शिफ्ट करेगा एल बाई टू डिस्टेंस न होकर एल बाई टू से कहीं इधर की ओर होगा सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे तो जैसे सबसे पहले बेसिक तरीका निकालते थे मान लेते हैं यहां से एक्स डिस्टेंस पे एक एलिमेंट ले लो एक एलिमेंट ले लो ठीक है इस एलिमेंट का लेंथ कितना हो जाएगा dx इसका मास कितना हो जाएगा dm इसका मास हो जाएगा dm ठीक है तो ऐसे ऐसे का मान लो कि सारे एलिमेंट कर कर देते हैं सारा एलिमेंटल पार्ट कर देते हैं और सबको क्या करते हैं ऐड कर देते हैं इस तरह को बताया था निकालने के लिए एक सेंटर ऑफ मास क्या होता था इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता नहीं था नहीं याद है सर डीएमएक्स होता जायेगा अरे यार एक्सडीएम हाँ वही तो बोल <laughs> <आगे> <laughs> डीएमएस और एक्सडीएम सेम चीज है।, है कैसे मतलब तो बोल कैसे लेती हो डीएमएक्स अरे एक और को डीएक्स इनटू एम बोलती तब भी समझ में आता है डीएमएक्स <laughs> बताया था ना इस तरह का वेरिएबल अगर रहेगा इंटीग्रेट करना होगा तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे एक्स इनटू इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कितना है एक्स ठीक है इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कितना है एक्स

अगर आपने इसको रेफरेंस माना है तो जीरो से लेके एल तक क्या करना पड़ेगा इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा जीरो से लेके एल तक आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा बस एक्स स्क्टर टू पुट कर दो डीएम कितना होगा बताओ डीएम कैसे निकालेंगे कैसे निकालेंगे बताओ एलिमेंटल पार्ट का मास कैसे निकालेंगे अरे सर क्या पूछ दिए डीएम स्क्वाइट क्या होगा इसका डेंसिटी कितना दे रखा है तो लेमडा इंटू डी होगा हाँ सर हाँ सर कितना भारी चीज है सर लेमडा इंटू डी एक्स एक्स इक्वल जीरो से लेके एल तक जीरो से लेके एल तक एक्स इंटू एल एल की वैल्यू क्या पुट कर देंगे तो जो दिया हुआ आउटपुट कर दीजिए सब चीज हम लोग से पूछते हैं इसको क्या करना है आपको इंटीग्रेट कर देना है हंसते खेलते क्या करना आपको इंटीग्रेट कर देना कितना जगह इंटीग्रेशन करने तो ये जगह के बाई एल तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना जाएगा तो आ जाएगा एक्स क्यू बाई थ्री और लिमिट पुट कर दोगे जीरो से l तो कितना जगह के इंटू एल थ्री बाई एल इंटू थ्री होगा कि नहीं होगा तो आपका आ गया k एल स्क्वायर बाई थ्री आंसर आ गया k एल स्क्वायर बाई थ्री नहीं दिया कैसा ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है यह आएगा ना ऑप्शन में क्या गलती है कि ये तो सब कुछ सही है एल इज्कवल टू एक्स स्क्वायर ही दे रखा था ना एक्स स्क्वायर बाई एल तो अगर ये दिया हुआ तो आंसर यही आएगा सुधार लो इसको तो सुधार लेना आंसर ही आएगा लेकिन 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 समझ में आया इस तरह क्वेश्चन कैसे करना है यस सर सर आज अरे यहाँ पे पावर क्या होगा एक्स पावर फोर होगा ना एक्स क्यू तो यही हो गया ना एक्स पावर क्या देखते हो तुम लोग हो एल क्यू बाई थ्री ठीक है एल क्यू बाई थ्री तो क्या आएगा इसका सेंटर ऑफ मास आंसर क्या होगा इसका अच्छा इसमें गड़बड़ के ना एक चीज डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम कौन करेगा तुम के चक्कर में तो मैं भी भूल जाता हूँ अरे क्या होता था इंटीग्रेशन ऑफ डीएम ये तब आएगा coordinate center mass का. इस पर डिवाइड बाय क्या करोगे इंटीग्रेशन ऑफ डीएम करोगे कितना आएगा बताओ डीएम कितना लिखे हमने Lambda into Dx. Dx. लिमिडो कितना है कुछ तो बताओ के एक्स स्क्वायर बाई एल इंटू डी एक्स जीरो से लेके एल तक तो कितना जगह के बाई एल अगेन बाहर आ जाएगा एक्स स्क्वायर कर इंटीग्रेशन कितना जगह एक्स क्यू बाई थ्री ठीक है लिमिट पुट कर देंगे जीरो से लेके एल तक लिए लिए था था तो कितना जगह के एल इंटू एल क्यू बाई थ्री तो यहाँ से आ जाएगा के एल स्क्वायर बाई थ्री ठीक है और यहाँ पे क्या था यहां पे था पावर फोर यहां पे था पावर फोर ठीक है तो एग्जैक्टली जो सेंटर ऑफ मास आएगा नीचे लिखता हूँ सेंटर ऑफ मास क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्सडीएम डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटीग्रेशन ऑफ डीएम कितना आया आया के एल फोर बाई थ्री ठीक है और इंटीग्रेशन ऑफ डीएम कितना आया आया के एल ए डिवाइड बाय एल करेंगे तो थ्री आ जाएगा ना आ जाएगा के एल थ्री बाई थ्री आ जाएगा के एल स्क्वायर बाई थ्री तो के से के कैंसिल हो गया ठीक है थ्री से थ्री कैंसिल हो गया और कितना आ गया एल ही आ गया सिंपल सिंपल क्या आ गया एल आ गया कुछ गड़बड़ है क्या ठीक है ना तो सही है ना तुम लोग ना बहुत मार खाओगे यार बहुत मार खाओगे कुछ भी ध्यान नहीं देते हो के बाई एल इन टू कितना जाएगा एल डेस्ट पावर फोर बाई फोर ठीक है कितना जाएगा के एल क्यू बाई फोर के एल क्यू बाई फोर यहां से कितना आएगा तो यहां से आएगा के एल स्क्वायर बाई थ्री एल स्क्वायर बाई थ्री ये देख ना घोच पोच लिखने में ना मेरे कोई नुकसान है के एल क्यू बाई फोर डिवाइड बाई के एल स्क्वायर बाई थ्री फिर हो तो जाएगा एल बाई फोर और नीचे हो जाएगा थ्री तो हो जाएगा थ्री एल बाई फोर या फाइनल आंसर है सही आंसर होगा अगर ऐसा ऑप्शन नहीं है तो काट के कर देना यही सही आंसर होगा कितना गया थ्री एल बाई फोर थ्री एल बाई फोर इसका आंसर दिखाना कितना है मैच करना तो समझ में आया कैसे करना है समझ में करना है जब भी इस तरह से वेरिएबल अगर डेंसिटी दिया हुआ हो तो आपको कैसे निकालना सेंटर ऑफ मास्ट इस फॉर्मूले से निकालना है अगला बार पूछेंगे तो डीएमएक्स बोलेंगे ना तो बड़ा मारेंगे डीएमएक्स नहीं बोलना है एक्स डी एम डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आगे बोलो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी एट ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट इसको नोट कर लो नोट कर लो इसको आप क्या करोगे पूरा लिखना इसे, है इसे ठीक है एक्स यूएम इक्वल टू कितनागा दिस डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटीग्रेशन ऑफ डीएम लिखते चलना नीचे ठीक है इंटीग्रेशन ऑफ डीएम लिखते चलना फिर इंटीग्रेशन ऑफ डीएम निकाल के इसको डिवाइड कर देना इसको लिखो नोट कर लो नोट कर लो आगे काम आएगा जितना सेंटर ऑफ मास पे पॉसिबल क्वेश्चंस थे सारे मैंने दे दिए हैं इससे ज्यादा आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगा नहीं आएगा नोट कर लिए नोट सर टाइम लगाएगा नोट करने में कौन सा क्वेश्चन बोली थर्टी एटेंटी ट्वेंटी एट बड़ा करके देख लें क्वेश्चन हम एक बार सर नोट कर लिए हो डिलीट yes, कर रहे हैं सब चीजें क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट क्या है क्वेश्चन ट्वेंटी एट बोलता है एक पार्टिकल है जिसका मास एम है और इंटर डायरेक्शन में मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस ठीक है किसी हाइट एच किसी हाइट पर रखा हुआ है सडनली क्या कर रहा है एक्सप्लोड कर रहा है टू पार्ट में एम बाई फोर और थ्री एम बाई फोर और किसी इंस्टेंट के बाद एक का है फिफ्टीन सेंटीमीटर द लार्जेस्ट सेगमेंट एट द इंस्टेंट इज इसमें क्या दिक्कत हुआ मिले, क्या दिक्कत हुआ इसमें सर करना क्या नहीं समझ में आया ये सबसे बढ़िया बना लिया टेक्निक तो तो बताना ही पड़ेगा अरे एक मास था एम ठीक है जो क्या क्या एक्सप्लोड कर गया बॉम है ठीक है दो पार्ट में क्या कर गया है एक्सप्लोर कर गया है एक का मास हो गया है कितना ले छोटा कर दिया पता नहीं चल रहा कितना हो गया है एक का मास हो गया है एम बाई फोर लिखा है ना एम बाई फोर और थ्री एम बाई फोर एक का मास हो गया आपका कौन कर रहा है सदमा से एम बाई फोर एक का मास हो गया आपका थ्री एम बाई फोर होगा दूसरे का मास ठीक है अब जब भी एक्सप्लोड करेगा तो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा कि इंटरनल फोर्स लगेगा इंटरनल फोर्स लगेगा ठीक है अगर एफ एक्सटर्नल जीरो है एफ एक्सटर्नल जीरो है तो सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी होगा वेलोसिटी ऑफ ऑफ सेंटर मास होगा ठीक है वो क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा हाँ. सेंटर मास क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा तो पहले अगर रेस, रेस्ट पे था अभी भी क्या होगा सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे होगा ठीक है सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पे है तो जहां पे पहले सेंटर ऑफ मास था बाद में सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा वहीं पर वही रहे रहे रहेगा रहेगा ना वेरी गुड तो जब एक्सप्लोड हुआ होगा तो बोलता है कि एक जो पार्टिकल है बड़ा वाला है कि छोटा वाला है ये अलग दिक्कत है बड़ा करके देखना पड़ता है एट इंस्टेंट लेटर स्मॉलर फ्रेगमेंट हाँ बोलता है छोटा वाला है ठीक है वो बोलता है कहीं पंद्रह बोलता है कि जो छोटा वाला है वो किसी इंस्टेंट के बाद यहाँ से पंद्रह सेंटीमीटर पे है ये जो एम बाई फोर मास था वो क्या है, कहां पे, है? पे है तो बड़ा वाला जो पार्ट होगा वो कहां पे होगा बड़ा वाला पार्ट कहां पे होगा ठीक है यानी आपको ये डिस्टेंस निकालना है ये मान लेते हैं कि एक्स डिस्टेंस पे है आपको तो पता है ना कि सेंटर ऑफ मास तो क्या करेगा मूव नहीं किया होगा सेंटर ऑफ मास रहेगा? यहीं पे रहेगा? रहेगा। रहेगा? यहीं सर। वेरी गुड तो इसका सेंटर ऑफ मास निकाल लो अगर इसको रेफरेंस मान लेते हो तो सेंटर ऑफ मास क्या आएगा एम बाई फोर बाई फोर इंटू फिफ्टीन प्लस इंटू एम क्यों होगा जीरो होगा ना अरे इसी को रेफरेंस माने है ना हाँ 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 तो वो तो जीरो होगा इसका कितना जाएगा तो थ्री एम बाई फोर इन टू फिफ्टीन प्लस वो तब आता जब इसको आप रेफरेंस मान लेते हो ठीक है डिवाइड बाई कितना जाएगा टोटल मास m और ये पता आपने को कितना पता है पंद्रह यहाँ सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा है पंद्रह सेंटीमीटर पे तो एक इक्वेशन बन गया है सिंपल सा बहुत ही सिंपल इक्वेशन बन गया है इसको आप सॉल्व कर लोगे समझ में आया कुछ एम से एम क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा पंद्रह इजक्ल टू ये तो पाठ हो गया जीरो यहाँ से बचेगा थ्री बाई फोर इन टू फिफ्टीन प्लस एक्स तो कितना हो जाएगा ये इधर मल्टीप्लाई कर दो हो जाएगा साठ और ये हो जाएगा पैंतालीस तो साठ माइनस पैंतालीस इजक्ल टू कितना जाएगा थ्री एक्स तो हो जाएगा पंद्रह बाई थ्री ना पाँच आंसर अच्छा ठीक है पांच ये कितना जाएगा पांच सेंटीमीटर इधर शिफ्ट किया होगा पांच सेंटीमीटर इधर शिफ्ट किया होगा ठीक है डायरेक्ट बोल सकते थे फटाक से इसका मास कितना है एम बाई फोर इसका मास कितना है थ्री टाइम्स ऑफ एम बाई फोर थ्री टाइम्स ऑफ एम बाई फोर अगर एक्सप्लोर होने के बाद अगर ये डिस्टेंस गया है एम या पंद्रह गया है इधर कितना जाएगा ये पंद्रह बाई थ्री जाएगा अगर मान लो कि बीस जाता तो इधर कितना होता बीस बाई थ्री अगर मान लो कि एम बाई एट होता ठीक है और ये कितना जाता सेवन एम बाई एट हो जाता हुँ. ठीक है तो अगर ये मान लो कि इधर सेंटीमीटर गया था तो इधर कितना जाता है इक्कीस बाई सेवन यानी जाता है थ्री सेंटीमीटर समझ में आता है ये सब भी बताया है इनवर्स रेशियो में होता है डायरेक्टली बता सकते हो आप करके भी निकाल सकते हो कुछ समझ में आया कुछ आया समझ में हाँ सर आ गया आ गया जो भी क्वेश्चन नहीं किए होंगे ईमानदारी से क्वेश्चन वो करते जाएंगे क्वेश्चन नंबर अठाईस के बाद बताओ थर्टी फोर क्वेश्चन अट्ठाईस के बाद थर्टी फोर थर्टी फोर इसको नोट करना है फिर कर लिया अरे वेरी गुड धीरे धीरे उससे यार होते जा रहे हो क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर कितना सारा क्वेश्चन है जी सर फिफ्टी के आसपास सर फिफ्टी टू फिफ्टी फाइव हाँ वेज क्यू ऑफ मास एम इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजेंटल फ्रिक्शनल सरफेस ए बी ठीक है एंड ब्लॉक पी ऑफ मास स्मॉल एम रिलीज ऑन इट्स फ्रिक्शन स्लोप एज एज पी स्लाइड बाई लेंथ एल ठीक है लेंथ एल स्लाइड कियाम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं लग रहा है सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा रिमेंस कॉन्स्टेंट रहेगा सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा ठीक है मान लेते हैं कहीं सेंटर ऑफ मास इधर था, यहाँ पे था मान लेते हैं कहीं पे ठीक है सेंटर ऑफ मास यहां पे था अभी बोल रहा है कि एल लेंथ इधर चला गया एल लेंथ इधर चला गया ठीक है तो एल लेंथ अगर इधर चला गया है ठीक है तो क्या हुआ होगा क्योंकि देखो यहाँ पे जो नेट फोर्स लग रहा है नेट फोर्स एम लग रहा है नेट फोर्स देखोगे तो एम लग रहा है लग रहा है कि नहीं लग रहा है बोले सर तो, नॉर्मल नॉर्मल नहीं लग रहा है क्या? तो अरे इसके, एम के से बैलेंस हो जाएगा ना तो अरे इसके के और इंटरनल फोर्सेज हो गया ना नॉर्मल हो गया इंटरनल फोर्सेज हो गया एक्सटर्नल फोर्सेज देखोगे इस सिस्टम है सिर्फ और सिर्फ एम लग रहा है और किस डायरेक्शन में लग रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स लग रहा है क्या एक्सटर्नल नहीं।, नहीं लग रहा ना नहीं लग रहा ना बोलो नहीं लग रहा सर बोलो नहीं लग रहा है सर जब हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है ठीक है एफ एक्सटर्नल इन एक्सट्रैक्शन अगर जीरो है ठीक है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एक्सट्रैक्शन क्या होगा कांस्टेंट होगा यानी अगर पहले जीरो अभी भी कितना होगा जीरो हो गया यानी सेंटर ऑफ मास का अगर डेलक्स बात करें ठीक है चेंज इन सेंटर ऑफ मास इसको कितना आएगा जीरो आएगा सेंटर ऑफ मास मूव नहीं किया है तो उसका पोजीशन चेंज नहीं करेगा जितना पहले था उतना ही अभी भी रहेगा इस कॉन्सेप्ट को समझ में आता है यस yes, ठीक है तो मान लेते हैं कहीं पे सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है मान लिए सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है अब देखो ए ब्लॉक

इस बड़े वाला का मास बड़े वाला का मास कैपिटल एम दे रखा है और इसका पोजिशन कितना होगा तो माइनस ऑफ एक्स होगा प्लस इसका मास दे रखा छोटे वाला का स्मॉल एम और इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा तो एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा एम प्लस एम और इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा सर जीरो होगा ना इसी को तो ओरिजिन माने हैं आप ठीक है जीरो इक्वल टू जाएगा एम ऑफ एक्स प्लस एम इंटू थीटा एल कॉस ठीठा तो यहां से आपको एक्स आ जाएगा एक्स इजल टू कितना तो ML cos theta M. आ जाएगा तो एम एल कॉस ठीटा डिवाइड बाई कैपिटल एम आएगा कि नहीं आएगा ठीक है एक कॉन्सेप्ट और आपको बताए थे कि डेल्टा एक्स वन एम वन इंटू डेल्टा एक्स वन प्लस एम टू इंटू डेल्टा एक्स टू इजल टू क्या होता है जीरो होता है बताए थे भूल गया ना सर मास सर बताए थे डेल्टा एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास बताए थे ठीक है डेल्टा एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू बताए थे हम कि डेल्टा एम वन डेल्टा एक्स वन प्लस एम टू इंटू डेल्टा एक्स टू और अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो क्या होगा इतना इक्वल हो जाएगा अगर ये जीरो है तो इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो डेल्टा एक्स टू क्या है तो डेल्टा एक्स टू एल कॉस थीटा है तो जगह एम एल कॉस थीटा डायरेक्ट लिख सकते थे एल कॉस थीटा प्लस एम 1 एम 1 कितना है कैपिटल एम तो डेल्टा एक्स वन तो आपको निकालना है इसको टू कितना जाता जीरो जाता। तो डेल्टा एक्स वाई इक्वल टू कितना जाता माइनस ऑफ एम एल कॉस थीटा डिवाइड बाय कैपिटल एम दोनों चीज बताया है आपको समझ में आया हाँ समझ में? अरे वाह पहला बार समझ में आ गया आज तेज हो गए तुम लोग तो सेंटर ऑफ मास में क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर का आगे बताओ फिफ्टी टू ना थर्टी फोर आगे फिफ्टी टू नहीं सर थर्टी सिक्स यार इतना धीरे धीरे बढ़ोगे 36 सिक्स इन ए ग्रेविटी फ्री स्पेस ए मैन ऑफ मास एम ठीक है स्टैंडिंग एट ए हाइट एच एवब द फ्लोर थ्रो थ्रू बॉल ऑफ मास एम स्ट्रेट डॉन विद द स्पीड ऑफ यू विन द बॉल दिस इज द फ्लो द डिस्टेंस ऑफ मैन एवब द फ्लोर विल बी अगेन लगाना हो सेम चीज ठीक है ग्रेविटी फ्री स्पेस है ठीक है ग्रेविटी मैं निकाल लिया हूँ मोबाइल में क्वेश्चन इसको बड़ा छोटा नहीं करूंगा दिक्कत हो रहा था तो ग्रेविटी फ्री स्पेस है तो ग्रेविटी फ्री स्पेस में क्या होगा इसको मैं एकदम छोटा ही कर लेता हूं जरूरत नहीं है मोबाइल में खोल लिया नीचे चल जाते हैं कौन लिख रहा है जी कौन लिख रहा होता अरे कौन हटाओ ना जो लिखा है जो लिखा है हटाओ <coughs> फिर लिख दिया मिली क्या कर रही है ठीक है यहां से देखना क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स बोलता है ग्रेविटी फ्री है स्पेस है ठीक है वहां पे एक आदमी है एस्ट्रोनॉट्स ठीक है उसने क्या किया है उसका मास है दे रखा है आपको एम इसका मास दे रखा है एम ठीक है इसने क्या किया है एक मास एम को ठीक है मतलब मान लो कि सरफेस था कहीं से ए हाइट पे था ए, अब यहाँ से क्या किया है एक बॉल को नीचे की ओर थ्रो किया है जिसका मास कितना है स्मॉल एम है इसका मास है स्मॉल एम पूछता है जब ए ब्लॉक यहां पे आ जाए ए ब्लॉक यहां पे आ जाए तो मैन कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा नहीं जाएगा स्पेस में ऊपर जाएगा नहीं जाएगा अरे बोलो ठीक है यहां से अगर ड्रॉप करोगे क्यों जाएगा ऊपर क्योंकि जो पहले सेंटर ऑफ मास था अब कोई भी यहां पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है एक्सटर्नल क्या है जीरो है सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस नहीं करेगा कि इनिशियली क्या था रेस्ट में था ठीक है वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास इनिशियली क्या था रेस्ट में था तो यहाँ से डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा डेल्टा एक्स ऑफ सी क्या आएगा जीरो आएगा अगर ए नीचे एच आया है ये कितना ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा डेल्टा एक्स ऑफ कैपिटल एम इनटू कैपिटल एम प्लस डेल्टा एक्स ऑफ स्मॉल एम इनटू स्मॉल एम इक्वल टू जीरो होगा होगा कि नहीं होगा तो डेल्टा एक्स ऑफ कैपिटल एम आपको निकालना है तो कितना आ जाएगा माइनस ऑफ डेल्टा एक्स ऑफ स्मॉल एम डेल्टा एक्स स्मॉल एम कितना है एच है एच इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम कोई दिक्कत सर एक बार फिर से बता दीजिए ना नहीं बताएंगे क्यों सर बोल रहा हूँ कौन है हाँ है, सर अरे यहाँ पे क्या था मैन था

तो अगर ये ब्लॉक स्मॉल वाला नीचे H आ जाता है नीचे H आ जाता है तो ऑब्वियस है मैन को ऊपर जाना होगा तभी तो सेंटर ऑफ मास यहाँ तभी तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे रहेगा तभी तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास रहेगा एक क्या हो गया डेल्टा एक्स ऑफ स्मॉल एम ये हमको निकालना है डेल्टा एक्स ऑफ कैपिटल एम ठीक है तो हमको पता है कि इस केस में क्या होता है तो एम इन डेल्टा एक्स वन प्लस एम तू डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना आएगा जीरो आएगा क्योंकि ऑफ ऑफ सेंटर मास ची बताए थे यही रेफरेंस है हमारा ये जो, जो जो भी डिस्टेंस निकलेगा डेल्टा एक्स वन डेल्टा एक्स टू वो सब सेंटर ऑफ मास से निकलेगा जो पहले सेंटर ऑफ मास था ठीक है एम टू क्या है कैपिटल एम मैन डेल्टा एक्स ऑफ कैपिटल एम निकालना था हमको इक्वल टू जीरो तो डेल्टा एक्स ऑफ एम क्या आ जाएगा माइनस ऑफ एम इन टू डिवाइड बाई कैपिटल एम माइनस क्या दिखाता है कि अगर इधर की ओर गया है ए इसके अपोजिट जाएगा ए इसके अपोजिट जाएगा, जाएगा. यानी ये जो डिस्टेंस आ गया वो क्या आ गया माइनस ऑफ एम इन टू डिवाइड बाई कैपिटल एम अब फ्लोर डिस्टेंस पूछा आपको फ्लोर पूछा तो कितना आ जाएगा इसमें आप क्या करोगे एच आप क्या करोगे एड कर दोगे फ्लोर से पूछेगा तो क्या होगा इसमें एच आप क्या कर दोगे एड कर दोगे यही आपका आंसर हो जाएगा समझ में आया यस ठीक है तो फ्लोर से कितना डिस्टेंस आ जाएगा आ जाएगा एच प्लस एच प्लस एम एच प्लस, बाई कैपिटल एम इसको माइनस की तरह एड मत कर देना <laughs> ऐसे में बोल देना कि यहाँ पर सर माइनस होगा एच माइनस एम एच बाई नहीं होगा ठीक है अरे माइनस तो बस डायरेक्शन दिखा रहा ना हाइट पूछेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा एच प्लस एम बाय बाई ये सब गलती मत करना ठीक है क्वेश्चन नंबर अरे समझ में आया कुछ समझ में आया कुछ यस yes, सर आगे पूछो

बाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है ठीक है पहले का वेलोसिटी दे रखा वन मीटर पर सेकंड और वो मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में और दूसरे का वेलोसिटी दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड जो मूव कर रहा है बाई डायरेक्शन में ठीक है द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बर्मा मारेंगे बर्मा मारेंगे ऐसा क्वेश्चन पूछेगी ना एक का दे रखा इधर की ओर 1 मीटर पर सेकंड और एक का दे रखा है इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड इसका मास दे रखा है वन के जी और इसका मास दे रखा है टू के जी इसका वेलोसिटी लिखोगे तो क्या आ जाएगा वन इनटू आई कैप इसका वेलोसिटी क्या आ जाएगा टू इनटू जे कैप वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा मन इनटू बी वन बी वन कितना आ जाएगा वन इनटू आई कैप प्लस म टू इ कितना हो जाएगा i तो कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय 3 ऐसे क्वेश्चन पूछोगे इसका मैग्निट्यूड निकाल लो गलती से पूछिए इसका मैग्निट्यूड निकालो कितना आएगा 1/3 का स्क्वायर प्लस 4/3 का स्क्वायर ऐसा ही आना चाहिए कुछ-कुछ ये हो गया 1 वन, 1/3 वन तो बाहर आ जाएगा कॉमन में आ जाएगा तो जाएगा अंदर रूट 16 प्लस एक सत्रह अंडर रूट सेवनटीन ठीक है अंडर रूट सेवनटीन क्या होगा चार से थोड़ा ज्यादा होगा फोर समथिंग होगा डिवाइड बाई थ्री करोगे तो कितना के आसपास आएगा चार डिवाइड बाई तीन करोगे तो कितना आएगा वन पॉइंट थ्री थ्री इससे थोड़ा सा क्या होगा ज्यादा आएगा ऑप्शन तो मार लेंगे डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव टू पार्टिकल आर सोन इन द फिगर एटीक्वल टू जीरोक्वल टू सिक्स न्यूटन स्टार्ट एक्टिंग ऑन थ्री के जी ठीक है फाइन दिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पार्टिकल एट टी इक्वल टू फाइव सेकेंड ये समझ में आया ये भी नहीं आया होगा तो मैं बताने वाला भी नहीं हूं फोर्टी फाइव देखो फोर्टी फाइव में क्या बोलता है फोर्टी फाइव में बोलता है दो पार्टिकल है एक पार्टिकल का मास है टू के जी ठीक है और एक पार्टिकल है जिसका मास है थ्री के जी ठीक है और इस पे एक फोर्स लग रहा है कितना फोर्स लग रहा है फोर्स लग एफ इजक्वल टू कॉन्स्टेंट फोर्स है सिक्स न्यूटन का कॉन्स्टेंट फोर्स है सिक्स न्यूटन का तो बोलता है कि टी इजक्टल टू फाइव सेकंड पे ये सब कंडीशन दिया हुआ है टी इजक्वल टू जीरो पे तो पूछता है कि सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी होगा टी इजक्ल टू फाइव पे क्या होगा

प्लस M2. तो 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 क्या है? जीरो है. तो क्या Initial velocity of center of mass क्या है है, आएगा आएगा आएगा। अब निकालो कितना कोई फोर्स लग रहा है कितना आएगा का लग रहा है ना कितना आएगा टू मीटर पर सेकेंड स्क्टर ऑफ मासन इंटू एवन प्लस ए टू इंटू एम टू डिड बाई

यू कितना था जीरो एक्सन कितना है सिक्स बाई फाइव है और टाइम कितना दे रखा है सर फाइव दे रखा है तो कितना आ जाएगा सिक्स मीटर पर सेकंड सिक्स मीटर ये समझ में आया ऐसे से क्वेश्चन पूछोगे तो ऐसे से क्वेश्चन पूछोगी खुद का तो इज्जत का कोई है नहीं मेरा भी इज्जत खराब करती है क्वेश्चन नंबर फोर्टी इन सिस्टम ऑफ पार्ट 47 ना ये तुम तो ऐसे तो तुक, तुक्का तो नहीं मार दे कि 42 45 47 49 52 ऐसे तो नहीं रैंडम पूछ लिए नहीं सर एक 42 गलत से पूछ लिए बस हम लोग ऐसे करते थे सर बोलते थे कर है जी हाँ सर कौन सा डॉट है आ, एट सर बिना देखे कुछ तो कुछ ना कुछ तो ये क्वेश्चन नंबर 8 में बता दीजिए

और लड़का लोगों में बाल जोड़ देंगे किक से उल्टा काम करेंगे रुको देखो क्वेश्चन आप फिर से पढ़ो सिक्स सेवन अब दो ब्लॉक है ठीक है दो पार्टिकल है एक एट के का है और दूसरा कितना के का है दोनों एट के का है ठीक है एक पे फोर्स लग रहा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक पे फोर्स लग रहा है बाई एक्सिस के लॉन्ग इसको नोट करना है एक्सेलरेशन तो निकल जाएगा बट डिग्री तो ऑफ थीटा कैसे निकालेंगे अभी भी क्वेश्चन तुम सही से नहीं पढ़ी हो क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन देखोगे ठीक है दो पार्टिकल है दोनों का मास दे रखा है एट के जी इसका मास भी एट के जी है और इसका मास भी एट के जी है ठीक है बोल रहा है कि इसका जो सब स्टार्टिंग में रेस्ट में है ना ठीक है सब रेस्ट में मान के चलेंगे बोलता है इसपे जो फोर्स है इस इसपे फोर्स लग रहा है सिक्सटी न्यूटन का लग रहा है एलोंग एक्स एक्सिस और इस पर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है एट न्यूटन का एलोंग एक्सिस ठीक है इसका जो एक्सलेशन होगा कितना होगा एवन इजक्ल टू फोर्स बाई मास ये कितना जाएगा टू मीटर पर सेकेंड एलोंग कितना आई कैप इसका जो एक्सेशन होगा एट टू इजक्वल टू कितना जागा? तो वन मीटर पर सेकेंड एलोंग जे कैप

तो कितना जाएगा आई कैप प्लस वन बाई टू इंटू जे कैप ये आ गया एक्सेसन ऑफ सेंटर ऑफ मास इसका एंगल निकालना है एक्स एक्सिस से तो बहुत भारी काम दे दिया है टेन टू क्या होगा यानी कितना जाएगा वन बाई टू इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स वन बाई टू ठीक है इसका मैग्नीट्यूड भी पूछ लिया है कहां से निकलेगा सर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस कितना जगह अंडर रूट फाइव बाई टू ऑप्शन सी आगे बोलो ये समझ में आया अरे आपको एवन ए टू निकालना है बस एक्सम सेंटर ऑफ मास निकाल देना है एम एन एवन ए टू इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बोलो आगे

Uh, दो पार्टिकल है अगेन एक ए है और एक बी है इसका वेलोसिटी दे रखा है ए आई कैप इसका जो वेलोसिटी है ए आई कैप और इसका जो वेलोसिटी है वो कितना है बी जे कैप इसका जो वेलोसिटी है वो बी जे कैप और इसका जो एक्सेलरेशन है ए का ठीक है इसका जो एक्सेलरेशन है वो दे रखा है टू ए आई कैप प्लस देखा है फोर बी जे कैफ फोर बी जे कैप इसका जो है कैसे मूव करेगा तो पहले तो निकालो वेलोसिटी निकालो वेलोसिटी क्या होगा सेंटर ऑफ मास का पहले भी किया क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछे थे क्या हो जाएगा m1 into m1 into v1 plus m2, m2 into v2 divided by m1 plus m2 हर बार लिखेंगे वो पहले घोच पच कर रहे थे तुम लोग बोल रहे थे सर घोच पच कर दे रहे हो मैं भी गलत गलत लिख दे रहा था तो m1 equal to कितना दे रखा है दोनों का मास दे रखा है सेम दे रखा है कुछ मास दे रखा है कुछ कहीं पे तो nil दे रखा मान लेते हैं m मान लेते हैं अपने लिए बढ़िया है कैप बढ़ बी जे कैप डिवाइड बाय कितना आ जाएगा टू एम हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा ए बाई टू आई कैप प्लस बी बाई टू जे कैप होगा उसी तरह से एक्सेसन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालो एक्सेसन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालो कैसे निकलेगा तो ए वन एम वन प्लस एम टू एड बाई एम वन प्लस एम टू सिंपल बोलते हैं ए वन प्लस ए टू बाई टू आएगा

वेलोसिटी क्या है किसी पार्टिकल का यानी सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एट एंगल ऑफ 45 नहीं जो भी है एंगल कितना होगा इतना बाई इतना होगा ठीक है और ए क्या है ए है एक्सेसन है इस डायरेक्शन में आई कैप का डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है इधर है और एक्सेसन क्या है इस डायरेक्शन में तो पार्टिकल कैसे मूव करेगा कैसे मूव करेगा पार्टिकल और बताओ बताओगे क्या क्या है इस में? और मास, और क्या है इस इस में? में? देखो पार्टिकल ऐसे जाएगा इस पॉइंट पे पार्टिकल ऐसे जाएगा लेकिन फोर्स क्या लगेगा इसको इस डायरेक्शन में तो पार्टिकल क्या करेगा इस तरह से मूव करेगा सर या फिर पैराबोला करेगा? पैराबोला करेगा आंसर देखो तो कितना है इसका तेरा हमको तो लगेगा स्टेट होगा तुमको तो स्टेट लाइन इसलिए होगा कि पहले स्टेट लाइन आया था स्टेट लाइन कब होता जब वेलोसिटी और और एक्सेलेशन दोनों क्या होता सेम डायरेक्शन में होता कौन सा क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 51. 51. 51 51 51 का आंसर क्या है ए है ए यदि है जी

अगर स्ट्रेट लाइन दिया तो गलत दिया है और वी सी ओ एम वी सीओ एम साइन थीटा देखो इस डायरेक्शन में तो कोई कोई मतलब नहीं है वर्टिकल डायरेक्शन में इसका स्पीड क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा जबकि इस डायरेक्शन में क्या होगा वेलोसिटी इसका बढ़ते जाएगा कैसे होगा किसी भी इंस्टेंट पर देखोगे तो वेलोसिटी इन एक्सडाशन कितना होगा तो इनिशियल वी सीओ एम प्लस ए एम

नहीं में तो छोड़ भी समझ में नहीं तो छोड़ सकते हो सेम डायरेक्शन है तो ही मूव करेगा ठीक तो है है और नंबर लिप्स लिप्स मूव मूव करता करेगा या सर्कल या लिप्स की बात करेंगे हम लोग ठीक है लिप्स या सर्कल की बात करेंगे तो इसे सर्कल मान लेते हैं लिप्स छोड़ो अभी सर्कल में क्या होगा तो वेलोसिटी क्या होगा इस डायरेक्शन में और एक्सेशन क्या होगा ठीक है और हर इंस्टेंट पे मतलब किसी भी टाइम पे निकालोगे तो एंगल क्या होना चाहिए दोनों के बीच में 90 डिग्री होना चाहिए ठीक है किसी भी टाइम पे ऐसा नहीं कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग हर इंस्टेंट पे जो रेक्सलेशन होगा अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा तो क्या मूव करेगा सर्कल में मूव करेगा ठीक है क्वेश्चन नंबर 52 बच गया एक वो भी पूछना है क्या दया करो मेरे पे कसरा फिफ्टी टू नहीं पूछना ना नेक्स्ट असाइनमेंट में सेकंड वाले में पूछो किया हो हाँ सर एक मिनट यस सर प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन एंड इम परफेक्टली इलास्टिक पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट इन अ हॉरिजेंटल प्लेन विथ वेलोसिटी ऐसे टाइप किया है क्वेश्चन नंबर हाँ बताना तुम लोग भूल गए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन एंड क्वेश्चन नंबर ठीक है आपके लिए नहीं था ये क्वेश्चन ठीक है एक्चुअली इंजीनियरिंग वालों के लिए था जरूरत नहीं है इस तरह क्वेश्चन का करने का आप इस क्वेश्चन को लीव कर देंगे इसमें इस टाइप तो कर दिया है सर यही दोनों नहीं बना ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन और क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन आप छोड़ देंगे जरूरत नहीं है ऐसे आप ट्राई कर सकते हो लेकिन इसके अलावा आपके बाकी सब ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्वेश्चन नंबर एटीन हाँ क्वेश्चन नंबर एटीन तो करना चाहिए नहीं किए सेट ऑफ इन आइडेंटिकल ऐसे चाहोगे तो फिफ्टीन uh, सिक्सटीन हम बता देंगे सिक्सटीन तो बना सकते हो तो so, तो बना ही हाँ और सेवनटीन भी आप छोड़ देना जरूरत नहीं आपको. है आपको ठीक है सेवनटीन फोर्टीन फिफ्टीन सेवनटीन कर सकते हो तो करो नहीं कर सकते तो कोई जरूरत नहीं है एक्चुअली किसी और में डालना था इसमें डाल दिया बाकी तो ठीक है बाकी तो बाकी ठीक है हाँ चलो कौन सा क्वेश्चन बोले क्वेश्चन नंबर एटीन अ सेट ऑफ इन आइडेंटिकल क्यूबिकल ब्लॉक लाइज एट रेस्ट parallel to each other along a line on a smooth horizontal surface the separation between the near surface of two adjacent block is l the block at one end is given a speed v towards the next one at a time t equal to 0 ulta ho gaya hai theek hai 0 equal to t likh diya hai all collision are completely elastic then last block start moving at aisa question hai क्वेश्चन नंबर इस तरह से लाइन से ब्लॉक खड़ा किया हुआ है इक्वल डिस्टेंस पे। इक्वल डिस्टेंस पे ठीक है जो भी ब्लॉक है इस तरह से मान लो। अब इसको क्या किया है आपको कोई इनिशियल वेलोसिटी दे दिया है आपको वी ठीक है इनिशियल वेलोसिटी दे दिया आपको वी दिया है ना इनिशियलोटी दे दिया है वी तो बताओ कितने टाइम का बाद इसको हिट करेगा

मास m है ये भी क्या है मास m है ठीक है इसका कुछ वेलोसिटी था भी इसके साथ जाके कोलाइड किया इसका जो वेलोसिटी हुआ क्या बताओ जरा v डस इक्वल टू क्या होगा आफ्टर कोलिजन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता था दोनों क्या करेगा साथ-साथ मूव करेगा ना अब सेम होगा और क्या होगा v 2 aक नहीं होगा v 2 होगा ना अरे यहाँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लो ना फोर एम इंटू भी पहले कंजर्वेशन कितना था एम इंटू भी फाइनली कितना होगा तो एम प्लस एम इंटू भी कॉमन वेलोसिटी तो इक्वल टू कितना आएगा भी बाई टू बिडिस कितना आ जाएगा याद रखो ये सब चीजें नहीं भी तो एक लाइन में लिख के निकाल लो ठीक है जब इसके साथ कोलाइड करेगा तो इसका क्या करेगा ये चिपक जाएगा क्या करेगा ये चिपक जाएगा अब ये दोनों क्या करेगा साथ-साथ मूव करेगा ये दोनों साथ-साथ मूव करेगा कितना वेलोसिटी से ये वेलोसिटी मूव करेगा v/2 से ठीक है तो ये v/2 से मूव करना शुरू करेगा v/2 से मूव करना शुरू करेगा और जाके इसके साथ क्या करेगा कोलिजन करेगा इसके साथ कोलिजन करेगा ठीक है इसके साथ जब कोलिजन करेगा कितना टाइम लगेगा तो t l हां 12/v लगाएगा ठीक है अब इसके साथ जब इलास्टिक कोलिजन करेगा सबके साथ क्या है इन इलास्टिक कोलिजन है इन इलास्टिक कोलिजन का वेलोसिटी कितना हो जाएगा इसका यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा अगेन यहाँ पे कितना था? था, कितना था 2m मास था इसका वेलोसिटी कितना था v/2 जाके कोलाइड किससे किया है इक्वल मास नहीं है आओ जाके कोलाइड किससे किया है m से किया है इनिशियल मोमेंटम कितना था इनिशियल मोमेंटम था 2m तो v/2 और फाइनल कितना जाएगा तो 3m V 3M into v कितना हो इसका? Sorry, कितना कितना जाएगा 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 इसका तो से क्या क्या होगा हो हो गया ये अब यहाँ से वेलोसिटी क्या हो जाएगा इसको भी बाई थ्री तो नेक्स्ट जो लेंथ है एल टी थ्री कितना टाइम लगाएगा तो 3L लगाएगा थ्री एल बाई भी टी फोर कितना लगाएगा 4L 4L L by L by B. B. ठीक है इस तरह से करते 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 जो tn होगा tn कितना लगाएगा तो n-1 तो लास्ट वाला जो ब्लॉक है कब मूव करना शुरू करेगा tn टाइम के बाद मूव करना चलेगा तो सबका आपको सम करना है l/v 12/v 3l/ v ऐसे करके अप टू तो कहां तक लास्ट ब्लॉक तक ठीक है लास्ट ब्लॉक तक आपको करना है यानी देखो लास्ट वाला कॉलेजन कंसीडर नहीं करना है लास्ट वाला कॉलेजन आपको कंसीडर नहीं करना उस जिस वो तो बस देखिए थर्ड ब्लॉक का मूव करना शुरू किया फर्स्ट वाला का मूव करना क्या फर्स्ट कोलिजन पे सेकंड वाला का मूव करना होगा सेकंड कोलिजन पे अगर निकालना हो कि थर्ड वाला पार्टिकल कब मूव करना शुरू किया होगा इसका मतलब क्या होगा t1 t2 अगर देखेंगे फोर्थ वाला कब मूव करेगा तो क्या होगा t1 t2 t3 यानी दिस इज सम कहां तक करना आपको n 1 l v ठीक है टोटल जो टाइम होगा टोटल टाइम ठीक है तो टोटल टाइम टी इजल टू कितना जाएगा एल बाय भी आप क्या करोगे कॉमन ले लोगे एल बाय भी क्या करोगे कॉमन ले लोगे तो कितना जगह? वन प्लस टू प्लस डॉट 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 प्लस एन माइनस वन एन माइनस वन सम क्या होता है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर क्या होता है बचपन में कभी पढ़े हो जिंदगी में क्या होता है

एन इन टू एन माइनस वन एन माइनस वन प्लस वन डिवाइड बाई जो भी हो गया डिवाइड बाई टू फिर से गलत 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 लिखना शुरू कर दिया मैंने साफ साफ लिखता तो सही रहता है क्या आ जाएगा प्लस प्लस कब तक प्लस प्लस एन माइनस वन टर्म तक ठीक है तो एल एल बाई भी इच्वल टू क्या जाएगा एफम लगा दोगे तो N -1 N -1 1 हो जाएगा एन माइनस वन इन टू एन माइनस वन प्लस वन हो जाएगा होगा ना एन इंटू एन प्लस वन एन की जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे एन माइनस वन ठीक है एन माइनस वन प्लस वन डिवाइड बाई कितना होगा टू ये आपका आंसर हो जाएगा तो एल बाई भी इंटू एन माइनस वन इंटू एन बाई टू ये आपका देख लो आंसर कौन सा है ये शायद बी आंसर है बी मार लेना इसका बी मार लेना और पूछो कोई क्वेश्चन नंबर बीस तो करवा ही दिए थे इक्कीस भी करवा दिए थे ठीक है तेईस चौबीस पच्चीस तो बहुत आसान क्वेश्चन है बीस भी करा दिए थे अठारह तुम लोग पूछ ही लिए क्वेश्चन नंबर उन्नीस क्वेश्चन नंबर उन्नीस किए हो क्वेश्चन नंबर उन्नीस भी करवाए हैं इस तरह क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर उन्नीस भी करवाए हैं देखना कि टोटल कितना मोमेंटम चेंज होता है ठीक है कितना टाइम लगता है नहीं तो ये क्वेश्चन नंबर उन्नीस हम करवाएंगे एक क्लास में नहीं तो इस तरह क्वेश्चन करवाए क्वेश्चन नंबर उन्नीस किए हो पूरा उम्मीद नहीं, नहीं किए हो गए तो पूछे भी नहीं तुम लोग तो अच्छा ठीक है ये क्वेश्चन हम क्लास में करवाएंगे सबको साथ करवाएंगे ठीक है नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं है चेन वाला क्वेश्चन करवाएंगे और कुछ बाकी तो बोली दी आपको सत्रह अठारह छोड़ना है तो आपके लिए काम आसान हो गया सत्रह छोड़ना है अठारह नहीं छोड़ना है सत्रह छोड़ना है सोलह छोड़ना है पंद्रह छोड़ना है बाकी तेरह तक तेरह नंबर भी करा दिया था तेरह नंबर के क्वेश्चन मार्क आंसर मार्क कर लेना ए ठीक है और उससे ऊपर वाले क्वेश्चन किसी दिक्कत है किसी को No, नहीं ना एनसीआरटी के क्वेश्चन है सब क्वेश्चन नंबर वन से लेके आई थिंक आठ नौ दस तक एनसीआरटी के क्वेश्चन होंगे और कुछ प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन है शायद ग्यारह बारह ये सब प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन है नहीं पांच के बाद पांच के बाद प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन है उसके ऊपर एनसीआरटी क्वेश्चन है ठीक है और बाकी कुछ अपने क्वेश्चन दिए थे मैंने और बीच में तो एस सी बरवाओ क्वेश्चन है तो कहीं पे जो भी आंसर है बाकी हम भिजवा देंगे आंसर और कोई कुछ पूछना है उन्नीस रहने दो तो उन्नीस क्लास में करवाएंगे ठीक है हो गया ना और जो भी ईमानदारी से छोड़े हो ठीक है कंप्लीट कर लेना जो भी ईमानदारी से छोड़े हो नहीं बना है कंप्लीट कर लेना हम ट्राई करेंगे आपको हर सब्जेक्ट में एक एक असाइनमेंट देने का ठीक है के एक असाइनमेंट हम देते रहेंगे हर बार कोई दिक्कत बोलो जी नो सर सर नोट्स भेज दीजिए ये नोट्स भी भेज चाहिए सर ऊपर नीचे कैसे कैसे लिखे हैं ना एक बार रीचेक हो जाएगा बोलो ना कैसे बना के वापस भेज देना बच्चे से नहीं नहीं आ, सर हम इसी से मैनेज कर लेंगे तो हम हम नेक्स्ट टाइम से क्या करेंगे हम इस से नीचे लिखेंगे साफ साफ क्योंकि मैं भी जब घोसप घोसप लिखता हूँ तो मेरा भी गलती हो जाता है ठीक है तो तुम लोग क्या करना जो भी असाइनमेंट है अपने आप में खोल के रखना मैं भी मोबाइल में खोल लूंगा और तुम भी मोबाइल में खोल लेना तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा तो ज़्यादा साफ साफ लिख पाएंगे नहीं तो उसी में लिखने में जगह नहीं बचता है नेक्स्ट टाइम सही काम करेंगे ये काम सही रहेगा ना फोन में खोल के देख लो बढ़िया से तो फोन में कैसे देखोगे तुम तो स्क्रीन देखते रहते हो फिर हम लोग बैकग्राउंड में खोल सकते हैं अच्छा ठीक है ये देख लेना जुगाड़ कि स्क्रीन भी और साथ साथ जब क्वेश्चन देखने के लिए बोले तो क्वेश्चन देखने चल गए जब स्क्रीन देखने के लिए बोले तो स्क्रीन देखने आ गए नहीं तो दो मोबाइल रख लेना नहीं तो जीरोक्स निकाल लेना कहीं से चलो ठीक है भेज देते हैं बहुत बड़ा होगा लेकिन हाँ सर बोलिए हा, सर बोल रहे ना कि सेम से नंबर को सेम नंबर से, से डिवाइड करने पे वन आता है ना हाँ